बेटा 11th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। तो बेटा मोल होता क्या है एक्चुअल में? तो बेटा एक दर्जन में 12 यूनिट होती है, एक डजन 12 यूनिट, उसको एक डजन बोलते हैं। उसी प्रकार बेटा एक मोल में 6.022 × 10³³ पार्टिकल्स, कण होते हैं। पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आपके आयन हो सकते हैं। ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, यानी एक मोल में कितने होते हैं 6.022 × 10³³ कण। कण कुछ भी हो सकते हैं, अणु, परमाणु, आयन एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। तो इन्हें बोला जाता है बेटा मोल। तो इसकी डेफिनेशन कैसे? तो बेटा एक डेफिनेशन और होती है इसकी कि 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित कणों की संख्या मोल कहलाती है, मोल कहलाती है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इंग्लिश में द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मोल इन एग्जैक्ट 12 ग्राम कार्बन कॉमा इज कॉल्ड मोल। तो बेटा इसका मतलब बता देता हूँ। 12 ग्राम कार्बन, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, तो n से डिनोट करते हैं मोलों को। 12/12 कितना हो गया? एक मोल। कितना हो गया बेटा? एक मोल, इंग्लिश में भी लिख दिया ब्रैकेट में मैंने। तो एक मोल में कण कितने होते हैं बेटा? 6.022 × 10³³ कण, यानी 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के कितने कण होते हैं? 6.022 × 10³³ कण। यही होता है बेटा मोल, यही है मोल की संकल्पना, इसी को बोलते हैं मोल। अब हम बात करते हैं मोलर द्रव्यमान निकालना, कैसे निकालते हैं। तो बेटा मोलर द्रव्यमान, तो किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है बेटा? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे H2O, हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 हाइड्रोजन + 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है बेटा 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसका परमाणु अणु भार कितना आएगा? 18। इसको मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो यही होता है बेटा मोलर द्रव्यमान।